हमारे चैनल जैन पाकशाला पाठशाला सरला के साथ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बिल्कुल नई और पारंपरिक, नई भी है लेकिन पारंपरिक भी है, ऐसी डिश मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है खरबूजे का पन्ना, यानी कि खरबूजे की मिठाई, जो कि इंस्टेंट है, तुरंत बनने वाली है। आप जब चाहें, चाहे आपका खरबूजा अच्छा हो ना हो, मीठा हो ना हो, नरम हो गया हो, हर हालत में हर खरबूजे से आपकी ये मिठाई बन सकती है और बहुत टेस्टी लगती है। और कभी आपके सब पास अचानक गेस्ट आ जाते हैं, कुछ भी ऐसी स्थिति होती है, कभी मीठा खाने का मन होता है, तब भी आप इसको तुरंत बना सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं खरबूजे का पना। और सबसे बड़ी बात ये बहुत हेल्दी है, फ्रूट का फ्रूट, मीठा नाम मात्र। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए खरबूजा, एक खरबूजे को और एक बर्तन। हम इसे खरबूजे को पहले धो करेंगे और इसका अंदर से सारे हम बीज निकाल देते हैं। ये बीज निकाले ये, और अब हमें इसका ऐसे मोटी मोटे इसके कर लेने हैं टुकड़े। और इसको हमने, ये देखिए ध्यान से मैं कैसे कर रही हूँ, इनमें इस तरह, ये ना यूँ, ये खड़े और आड़े इस तरह से चीरे लगाने हैं हमें, और इसको पतली लेयर में इसे निकाल लेना है। ये देखिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे से पीसेस आएंगे हमें हमारे पास। फिर ये तिरछे इस तरह से लगाए, फिर एक लेयर निकाली, ये हो गया। फिर इसमें किया, फिर इस तरह से निकाला। इस तरह से हम पूरे का निकाल लेते हैं। देखिए मैं आपको पूरा करके दिखा रही हूँ। सिर्फ तीन चार बार में ये पूरा इसका अंदर का हिस्सा, इसका पूरा गूदा हमें निकाल लेना है। और जिसके ऐसे टुकड़े लगाने से क्या होता है, ये पूरा पूरा आ जाता है और इसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। हमें छोटे छोटे पीसेस चाहिए, बाकी तो हम इसे अगर किसी में चर्न करेंगे, कुछ करेंगे, तो वो पेस्ट बन जाएगा, पल्प बन जाएगा, रस निकल जाएगा। हमें वैसे नहीं चाहिए, हमें इसके सिर्फ छोटे छोटे से टुकड़े चाहिए और ये हम इस तरह आसानी से निकाल सकते हैं। और ये मिठाई बहुत अच्छी है, कभी भी अचानक मेहमान आ गए, आप पर डिज़र्ट नहीं है तैयार और बनाने का टाइम भी नहीं है, तो आप अगर घर में ये खरबूजा पड़ा है, पपीता पड़ा है, तो आप ये चीज़ बना सकते हैं और बहुत अच्छी लगती है, स्वादिष्ट भी और आसान भी, जल्दी बनने वाली। ये हमारा एक तैयार हो गया, ये देखिए। इसी तरह हम इन सबको कर लेंगे, ये इसको भी इसी तरह हमने कर लेना है। इस तरह से हमने खरबूज के ये ऐसे ऐसे पीसेस कर लिए हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इसमें ये चीज़ हम तब भी बना सकते हैं जब खरबूजे कई बार बिल्कुल फीके आते हैं, बिल्कुल मीठे नहीं होते, ना टेस्ट होता है ना कुछ नहीं, तब भी हम उसमें ये कर सकते हैं। और इसमें हम चीनी कितनी डालेंगे, इसकी मिठास के अकॉर्डिंग। अगर खरबूज हमारा मीठा है बहुत ज़्यादा, तो हम बहुत कम डालेंगे, और कम है तो हम इसमें ज़्यादा डालेंगे। मेरा खरबूजा बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसमें इतनी सी डाल रही हूँ। और इसको हमने अच्छी तरह से हिला लेना है। अब इसमें हमने ये तरबूज के जो बीज हैं, ये तरबूज के बीज, किशमिश और काजू के टुकड़े, ये तीनों हमने मिक्स कर रखे हैं, ये हमने इसमें मिला देना। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना नहीं भी डाल सकते हैं, उसके बिना भी ये बहुत अच्छा बनने वाला है। अब इसमें थोड़ी सी पिसी हुई इलायची डाल देते हैं, खुशबू इसकी बढ़ जाए। अगर आप ये और चीज़ें, बीज, किशमिश, काजू अगर ना भी डालें, लेकिन इलायची भी डाल देंगे ना, तो भी इसकी जान आ जाएगी, इसमें खुशबू बढ़ जाएगी। बस ये हमारी डेजर्ट तैयार है। अब हम इसे प्लेटिंग के लिए तैयार कर लेते हैं। हमने इसमें डाला और ये कई बार हमारा खरबूजा नरम हो जाता है, बहुत गीला हो गया,
उस कंडीशन में भी आप ये चीज़ इसकी बना सकते हो और बहुत बढ़िया बनती है नरम खरबूजे की, यानी दोनों ही कंडीशन में। अगर ये नरम है तो भी आप इसे बना सकते हैं, और अगर कभी फीका है, मीठा नहीं है, तब भी आप इसकी ये चीज़ बना सकते हैं। बहुत शानदार डिज़र्ट, मीठा, बहुत अच्छा लगे। फिर इसके हम इसे बादाम और पिस्ते की फ्लेक से इसे गार्निश कर देते हैं। बस ये लीजिए, हमारा हो गया, लीजिए तैयार हो गया हमारा खरबूजे का पन्ना। इसको खरबूजे का पन्ना कहते हैं, और आप इसे चाय जो नाम दे दीजिए। इसका ट्रेडिशनल नाम है खरबूजे का पन्ना, जो कि बहुत अच्छा लगता है, मिनटों में बनता है और स्वाद में भी बहुत अच्छा लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो। लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें।